अब उज्जैन में आईटी पार्क दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। आईटी पार्क की इस योजना को एक और झटका तब लगा जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने स्कॉन के स्वामित्व वाली वराहमिहिर इंफोटेक की जमीन का कब्जा ले लिया। आपको बता दें कि 2006 में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी पार्क के लिए भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 43 स्कॉन की वराहमिहिर इंफोटेक डोमेन प्राइवेट लिमिटेड को काफी कम कीमतों पर आवंटित कर दिया गया था, लेकिन जब स्कॉन आईटी पार्क की जमीन पर निर्धारित समय सीमा में आईटी पार्क नहीं बनाया तो उज्जैन विकास प्राधिकरण ने स्कॉन को आईटी पार्क के लिए आवंटित प्लॉट की लीज डीड निरस्त कर दी और कब्जा लेने के लिए स्कॉन को पत्र जारी कर दिया। यूडीए द्वारा लीज निरस्त करने के विरुद्ध न्यायालय आकर स्थगन आदेश ले लिया और विकास प्राधिकरण को कब्जा नहीं दिया। पिछले कुछ महीनों से मामला न्यायालय में विचाराधीन था, लेकिन दो दिन पूर्व न्यायालय ने विकास प्राधिकरण के पक्ष में फैसला देते हुए इस प्लॉट पर स्थगन आदेश बैकेट कर दिया। स्थगन आदेश निरस्त होते ही बुधवार की दोपहर यूडीए की टीम स्कॉन पहुंची और प्लॉट पर कब्जा लेने की सूचना देकर आईटी पार्क के लिए आवंटित किए गए प्लॉट पर कब्जा ले लिया। इस विषय में स्कॉन मंदिर के प्रवक्ता पंडित राघव दास का कहना है कि हमें कुछ घंटे का नोटिस देकर ये कार्रवाई की गई है, हम इसका विधि सम्मत तरीके से अपना पक्ष कोर्ट के माध्यम से रखेंगे। देखिए, अभी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, हमारे पास आज ही 1:10 पर नोटिस आया प्राधिकरण से और उसमें दर्शाया गया कि 3 वो उसको कब्जा ले लेंगे। तो ये एक तरह से एक तरफा है, क्योंकि हमें अभी न्यायालयीन क्या आदेश हुए हैं वो भी प्राप्त नहीं हुए हैं, तो देखते हैं क्या विधि अनुसार ठीक होगा, वही हम करेंगे, उस अनुसार ही कार्य करेंगे।